हेलो फ्रेंड्स, अक्सर ज्यादा काम करने की वजह से हमें थकावट महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से हम या तो आराम करते रहना पसंद करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा सोना पसंद करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2400 घंटे और हफ्ते के सातों दिन थकावट ही महसूस होती रहती है, फिर चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे टीवी देख रहे हो, लेटे हुए हो या फिर खाना खा रहे हो, उन्हें हमेशा थकावट महसूस होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा थकावट महसूस होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बॉडी के अंदर कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें 2400 घंटे थकावट महसूस होती है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आइए मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी कि 2400 घंटे थकावट का एहसास किन कारणों की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 1, थायराइड की ग्रंथि का ठीक से काम ना करना। अगर आप ज्यादा थक जाते हैं या फिर जरा सा काम करने पे आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, अपने काम को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, तो हो सकता है कि आपकी थायराइड की ग्रंथि ठीक से काम ना कर रही हो। इसीलिए आपको अच्छे से डॉक्टर से हमेशा अपनी थायराइड की ग्रंथि को चेक कराते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, थायराइड की ग्रंथि का अति सक्रिय होना। अगर आप नर्वस हो जाते हैं या फिर वजन कम है और आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो गई है किसी भी काम को करते वक्त, तो हो सकता है कि आपकी थायराइड की ग्रंथि अति सक्रिय हो गई हो, क्योंकि वजन घटने से हमारे शरीर में फूर्ति आनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वजन घटने के बावजूद भी काम करने में उन्हें स्फूर्ति नहीं मिल पाती है, साथ ही साथ थोड़ा सा काम करने में ही उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इसीलिए हो सकता है कि उनकी थायराइड की ग्रंथि अति सक्रिय हो गई हो। पॉइंट नंबर 3 है तनाव। अक्सर हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, वो काम कैसा होगा, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं होगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। इन चीजों को सोच सोच कर हम अपने अंदर तनाव को बढ़ावा दे देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। और अगर हमें छोटा सा ही काम करना हो तो उसके बाद भी हम थक जाते हैं। इसीलिए अपने आप को तनाव से दूर रखें। नंबर 4, पोषक तत्वों की कमी के होने के कारण। हमारे शरीर को ज्यादा थकावट तभी होती है जब हमारे शरीर में अच्छे तरीके से पोषक तत्व ना हो। अगर हम अच्छे से भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। इसीलिए अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो आपको अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अपने खाने के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो अपनी डाइट पर ध्यान दें और अपनी डाइट के अंदर विटामिन B12 से इंक्लूडेड सारे खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे कि अंडा, संतरा, ओट्स और अच्छे पाक और साफ सब्जियां। इनका सेवन करके आप अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी और थकावट भी दूर होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनकी कमी के कारण आपको जल्दी और ज्यादा थकावट होती है। इन्हें दूर करने के लिए अपनी डाइट और अपने रूटीन को अच्छा बनाएं। इन सभी बातों को ध्यान रखें और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।